आप सभी को जय मसीह की। आज का ये नया दिन, आज की ये नई सुबह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के जिस गुण के बारे में सीखेंगे वो है परमेश्वर हमारे पक्ष में है। रोमियो 8 उसका 31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सच में यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में नहीं होते तो हमारा क्या होता। रोमियो 3:23 कहता है कि हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और उसकी महिमा से दूर हुए हैं, और हमारा अंत क्या होता। हमारा अंत होता आग की झील में। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 14-15 यही कहता है कि हमारा अंत तो आग की झील में था, परंतु ये परमेश्वर की दया, अनुग्रह और भलाई ही तो है कि आज हम जीवित हैं और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ गए। उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। जो हमें भोगना था वो उन्होंने अपने जीवन में भोग लिया और हमें क्षमा की गई। वो क्षमा हमें दी गई और हमें अनंत काल का जीवन दिया गया। परमेश्वर का अनुग्रह ही तो है कि आज हम जीवित हैं और परमेश्वर हमारे पक्ष में है। क्या कोरोना वायरस, क्या आजकल की महामारी, हमारे विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। हमें इस समय क्या करना है। हमें इस समय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है और उस विश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है, और ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस आशा भरे वचन के लिए कि आप हमारे पक्ष में हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस आशा भरे वचन के लिए कि ये संसार, ये प्रधानताएं, स्वर्गदूत या एक छोटे सा कोरोना वायरस या इस दुनिया की बड़ी महामारी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप हमारे पक्ष में हैं प्रभु। परमेश्वर, आपने हमारे ही तो पापों के लिए अपनी जान दे दी। प्रभु, आपका अनुग्रह है सिर्फ कि हम जीवित हैं प्रभु। परमेश्वर, जब आप हमारे पक्ष में हैं तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु हम इसी आशा के साथ, इसी खुशी के साथ, इसी आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करें कि आप हमारे पक्ष में हैं। यीशु मसीह, आपके पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन।